हाय हेलो एंड माय ब्यूटीफुल हैंडसम सोल्स, जय भोलेनाथ। होप आप सब अच्छे होंगे। पोल मैंने डाला था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई इसी टॉपिक पर कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपको देखनी है। ओके, ए से लेकर एम के बीच में अगर आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल लेटर है, मतलब उनका नाम का पहला अक्षर, तो आप पाइल 1 चूज करें। अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आप पाइल 2 चूज करें। ये है पाइल 1 ए टू एम और ये है पाइल 2 एन टू जेड। ओके, एंड इसी नोट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय हेलो, पाइल नंबर 1 ए से लेकर एम के बीच में आपके जो पार्टनर है उनका नेम का पहला लेटर है, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है, कौन से साइन निकल कर आ रहे हैं। भाई, सफल करने से पहले ही कार्ड्स गिर गए। यहाँ पर मेरे पास डेविल आ रहा है एंड 3 ऑफ कप्स आ रहा है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी बहुत हाई है भाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कैप्रिकॉन है यहाँ पर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस है, टॉरस कैप्रिकॉन है, वर्गो है एंड एरीस है, लियो है, सैजिटेरियस। टू ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन आ गया हमारे पास। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, लगता है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस, लगता है जो भी चाहते हो फुलफिल होने वाला है, या फिर बोल सकती हूँ कि हो सकता है रीयूनियन। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रीयूनियन नजर आ रहे हैं। क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, देखिए प्यार के मामले में बिल्कुल फिट एंड फाइन, प्यार के मामले में बिल्कुल फिट एंड फाइन, सही जा रहे हैं ये बंदा या बंदी। ओके, बट अपनी करियर में ठीक नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनकी ना कुछ फाइनेंशियल इश्यू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और ये ना बता नहीं रहे हैं किसी को। 1 सेकेंड, क्लैरिफाई कर देते हैं ना, पता चल जाएगा। एक्सपीरियंसिंग, ये देखिए, यस, ओके, ये पर्सन जो है अपनी फाइनेंस में इस वक्त काफी उलझे हुए हैं एंड काफी दुख दर्द से गुजर रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर, बट प्यार के मामले में बिल्कुल सेट हैं, चीजें बिल्कुल सेट हैं, बहुत सारी यू नो प्यार है इनको, मैं नहीं बोलूंगी कि प्यार नहीं है। ओके, ये पर्सन मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने करियर और फाइनेंस को लेकर तो प्लानिंग कर रहे हैं, दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस रिश्ते के ऊपर ये इंसान कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये इंसान वापस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये इंसान सोचते हुए दिख रहे हैं, ये इंसान ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को सबर नहीं हो रहा है। हो सकता है आपकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा देख रहे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा कहीं पर देख रहे हैं एंड इनको अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनको लगता है कि बहुत हो गया, मुझे अब इस इंसान से बात करनी है। इनको ना बहुत वो वाली फीलिंग्स आ रही है इनके लिए, आपके लिए। ओके, बहुत वो वाली फीलिंग्स आ रही है। जिस दिन मैं वो रोमांटिक रीडिंग करूंगी आप देख लेना, अगर नहीं देखा है, एक रोमांटिक रीडिंग मैंने कर लिया है तो पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाके देख लेना। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस करने वाले हैं। ये सबसे पहली बात है, दोनों चीजें यहाँ पर होंगे, अट्रैक्शन भी होगा और खिंचाव, प्यार दोनों होगा। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं खिंचाव महसूस करेंगे, आपकी यादों से यू नो बहुत निकलने की कोशिश कर रहे थे ये, या फिर बहुत निकल भी गए थे, बट मुझे 72 आवर्स में ये इंसान बहुत ज्यादा आपकी तरफ खींचते हुए आकर दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान, मुझे देखिए और एक चीज लगता है कि आप दोनों अगर दूर हैं तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है। वैसे मैं ब्लैक मैजिक की बात नहीं करती, बट मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने किया हो और इसी वजह से ये आपसे दूर चले गए हो। ओके, फिर से ऐसा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन आपके पास लौट आएंगे और लौटने के लिए सोच भी रहे हैं। हो सकता है 2-3 हफ्ते से सोच रहे हैं या फिर 6-7 महीनों से प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है 2 साल से आप सेपरेशन में हो या फिर 7 महीनों से सेपरेशन में हो, बट ये इंसान अभी मुझे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ यू नो कहीं घूमना फिरना, या फिर बोल सकती हूँ आपके साथ
कुछ फन एक्टिविटी करने के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल मैं देखूं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये जो इंसान है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ थोड़ी सी चिल करने के मूड में है। ओके चलिए देखते हैं अभी। मजिशियन अलोननेस, ओके सिज़ोफ्रेनिया, द मास्टर, प्लेफुलनेस, रीबर्थ। ये इंसान आपके साथ यू नो रीबर्थ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन है बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। एंड अभी देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ का कार्ड एक साथ आ गया, इसका मतलब ये है कि एंड एंड बिगिनिंग। ओके, ये इंसान जो प्लानिंग कर रहे हैं इतने दिनों से, ये प्लानिंग आपकी तरफ होगा, ये प्लानिंग आपके लिए होगा। मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट होता हुआ दिख रहा है, यू नो आपके साथ वो खुश होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है। इनको बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस हो रहा है इस वक्त, यू नो ये कन्फ्यूज हो रहे हैं, मुझे करना क्या है, जाना किस ओर है, आपकी तरफ आना है या कहीं और जाना है, बट साइड जो होगा वो आपकी तरफ होगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो इनको कंफ्यूज भी कर रहा है। ओके, इनको जो ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है या फिर थर्ड पार्टी इनको कंफ्यूज कर रही है, आपकी तरफ नहीं आना है, ठीक है, बट वो खुद को भी इतना, वो जो थर्ड पार्टी है वो भी उनको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती कि ये इंसान इस पर्सन को लगे हाँ ये उर्दी है थर्ड पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इंसान क्या है कि इन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है इन्हें वापस आना है, अकेला रहा नहीं जा रहा है इनसे, ये अकेले नहीं रह पा रहे हैं, इनको अकेला नहीं रहना है, इनको आपके साथ रहना है, अकेलेपन में जीकर घुट रहे हैं ये पर्सन। तो नेक्स्ट 72 आवर्स ये होने वाला है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आने के बाद, बात करने के बाद इस इंसान को लगेगा कि मैंने आना, देखिए इनका दो साइड है, एक इन्हें लगता है मैं वापस आ जाऊंगा और ये कॉन्टैक्ट करेंगे, दूसरे साइड इन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने आकर सही किया या गलत किया। अब झूठ नहीं बोलूंगी, रीडिंग में जो आया है वो ही बोलूंगी। ओके, इनको दोनों चीजें लगेंगी, बट कहीं ना कहीं आपके साथ खुश होता हुआ मुझे दिख रहे हैं, आपके पास आने के लिए सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहां पर जो मेरे पास है वो है इंस्टिंक्ट, यस ये पर्सन अपने दिल की सुन रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन इतना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कर करके फाइनली अपने दिल की सुनने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन हर वो नेगेटिव को छोड़ने वाले हैं, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ने वाले हैं जो आपसे इन्हें दूर कर रही है। ये पर्सन का जो हार्ट है, दिल है, बिल्कुल प्योर है। रात को नेक्स्ट 72 आवर्स में जिस दिन भी ये कॉन्टैक्ट करेंगे, रात को ही आपको ये कॉन्टैक्ट करेंगे, दिन में नहीं करेंगे। ओके, मुझे यहाँ पर रात नज़र आ रहा है, हो सकता है इस कहीं यू नो फुल मून पर, या फिर ऐसा बोल सकती हूँ कि न्यू मून पर, फुल मून या फिर न्यू मून पर इस इंसान का बर्थडे हो, ठीक है। वैसे हम तिथि के अनुसार जब देखते हैं ये हमें पता चलता है, वैसे डेट के अनुसार हमें पता नहीं चलता। कंप्लीशन, इस इंसान को नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ कंप्लीट फील करना है, इनको कंप्लीट रखना है, इन्हें लगता है चीजें आधी अधूरी छूट गई है, ये चीजों को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इन्हें क्या लगता है ये कहीं ना कहीं उस जगह जा सकते हैं जब आप दोनों का यू नो रियूनियन हो, आप दोनों उस जगह फिर से जा सकते हैं जहां से यू नो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, या फिर आप पहली बार मिले थे ऐसा कुछ हुआ था, आप जा सकते हैं। अबंडेंस फाइनल कार्ड, और इससे अच्छा कार्ड में क्या बोल सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों बहुत खुश होने वाले हो, आप दोनों की कॉन्टैक्ट होने वाली है, आप दोनों की बातचीत होने वाली है, ये अपने दिल की सुनने वाले हैं, खुशियों की तिजोरी खोलने वाली है। बट मैं फिर से वही बोलूंगी, ये इंसान को आने के बाद लगेगा क्या मैंने आकर सही किया, हो सकता है यू नो वो जब आ जाएंगे, ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है, आपको लगेगा ये तो छोड़कर गए थे अभी आ गए क्या, अभी मैं क्या करूं इस इंसान के साथ, मुझे जितना वो जो दर्द हुआ उस दर्द का क्या करूं। ओके, ये भी सोच आपकी आ सकती है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, अगर रीडिंग पसंद आई लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड वो वीडियो जाकर जरूर देख लें। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जिसका लिंक डाला है, एंड बाय गाइज।
हाय 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 पाल नंबर टू, एन से लेकर जेड के बीच में आपके जो पार्टनर है उनका नेम का पहला अक्षर है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में इस इंसान को क्या कुछ फील होने वाला है। ओके, इम्पोर्टेंट 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 कुछ सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उनकी रोमांटिक थॉट्स, ओके, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको कोई उनकी तरफ से रोमांटिक सा मैसेज, रोमांटिक से कुछ चीजें जाननी है तो ओके। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है नाइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट की एनर्जी क्यों आई भाई? कुछ मूवमेंट हो रहा है क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में? नाइट 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 ऐसे ही नहीं आया मेरे मुंह में। हो सकता है कुछ मूवमेंट आ जाए, नाइट का कोई कार्ड आ जाए। ओके, एट ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, ये गिर गया। ओके, मुझे एक्चुअली मैं बोल ही रही थी नाइट 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 का एनर्जी क्यों आ रहा है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। ओके, कहीं ना कहीं नाइट की एनर्जी आ रही थी, तो मुझे मोमेंट की एनर्जी आ रही थी तो नाइट कार्ड दिख गया। एंड ओ माय गॉड, नाइट नाइट मैं बोल ही रही थी। एंड ये देखिए, एनर्जीज कभी गलत नहीं होते, एनर्जीज कभी गलत नहीं होते। एनर्जी है भाई, आपकी स्ट्रांग एनर्जी है, इसीलिए नाइट का कार्ड आ गया। भाई ये तो मिरेकल ही मिरेकल है, क्या बोलूं। ओके, मैं सोच रही थी, दो दो बार नाइट का कार्ड दिखा, मैंने एक बार नहीं लिया तो दूसरी बार आ गया। दैट इज ब्यूटिफुल। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है फैमिली पर्सन हो, फैमिली की बहुत मानते हो ये इंसान, अपने पापा की बहुत मानते हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। आई थिंक सारे साइन आ गए हैं। यस यस। ओके गाइस, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन को क्या लगने वाला है? ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर गए थे, आई थिंक 7 से 8 महीने पहले आपके जो पर्सन है मूव ऑन कर गए थे। इस इंसान को नेक्स्ट 72 आवर्स में अकेला थकावन महसूस होने वाला है, दर्द महसूस होने वाला है। ये इंसान अपनी करियर पर फोकस्ड करने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ये बात अलग है। मैं करियर की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट मैं बोलूंगी मुझे दिख रहा है तो मैंने बोला वो करियर के लिए फोकस थोड़े से कर रहे हैं। बट वट आपके लिए क्या, वट इज फॉर यू, ये आपको स्टॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये बहुत ज्यादा आपको स्टॉक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये इंसान ऑब्जर्व अब भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या। ओके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एक्शन लूं या नहीं लूं इसमें कंफ्यूज है, लेना है नहीं लेना है। ओके, एंड ये ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप किस हालत में हो, आप दुखी हो, सुखी हो, अपनी करियर पर बिजी हो, अपने में फोकस्ड हो, क्या हो। ये इंसान नेक्स्ट 72 आवर्स में ये भी देखने वाले हैं। बट मीन वाइल ये पर्सन आपको स्टॉक करने वाले हैं, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को, व्हाट्सएप पर अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, अनब्लॉक करने वाले हैं। इनके दिल में बहुत सारे थॉट्स आने वाले हैं, बहुत चीजें सोचने वाले हैं आपकी तरफ। और इतना सब कुछ करके ये करेंगे क्या? आंसर तो देखना चाहिए ना आपको। ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे आपको, ये स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि इन्हें कांटेक्ट करना है। बट मैं आपको सच बोलूंगी, ये पर्सन हमेशा के लिए आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में ये आपको कांटेक्ट करें और फिर लौट जाएं। ओके, फिर ये इंसान लौट जाए क्योंकि इनका अभी का कोई प्लानिंग नहीं है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। कम से कम कोई प्लानिंग नहीं है कि वो आपको स्ट्रांग कमिटमेंट प्रोवाइड करें। मुझे ऐसा लगता है मन कर रहा है, सैड फील कर रहे हैं, स्टॉक करेंगे, देखेंगे लाइफ में क्या चल रहा है, बात करने के लिए आ जाएंगे। ओके, एक अट्रैक्शन का होगा, बात करने के लिए आ जाएंगे, आफ्टर दैट ये फिर से चले जाएंगे। मुझे ये इंसान ऐसे ही लग रहे हैं, ऐसा कोई मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, नेक्स्ट 72 आवर्स में वो मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। चलिए और कुछ कार्ड्स देखेंगे और क्या उनकी फीलिंग्स रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में।
इन अ सेंस स्ट्रेस। सेवन ऑफ कप्स के लिए कॉम्प्रोमाइज। क्लिंगिंग इन टू द पास्ट। फाइव ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर भी फाइव, नंबर फाइव हो। अगर आपको नंबर फाइव दिख रहा हो तो मुझे बताइएगा। ओके, हो सकता है आपको इन दिनों नंबर फाइव दिख रहा हो। अलोननेस इस पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कॉन्सियसनेस। तो और क्या चलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में? ये जो अपने काम के ऊपर ध्यान देंगे ना, उस काम के ऊपर ध्यान देंगे तो ये उसी के ऊपर ध्यान देंगे एंड वो अकेला महसूस करेंगे। ओके, मतलब काम के ऊपर ध्यान देंगे तो इनके पास कोई नहीं होगा, ये अकेले होंगे। आफ्टर दैट ये जो फाइव ऑफ कप्स की फीलिंग है, ये इतने सैड क्यों है? क्योंकि ये इनका दिमाग कचरे से भरा हुआ है। ओके, कचरा मतलब पास्ट के कचरों से, पास्ट के नेगेटिव कचरों से। मैं नहीं बोलूंगी पॉजिटिव चीजें ये सोच रहे हैं, ये नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं पास्ट के, इसीलिए इनका दिमाग खराब हो रहा है, तो इसीलिए ये सैड है। ये जो मूव ऑन कर गए थे, इन्हें लगता है ये मैंने गलत किया, तो एक बार चलो बात कर लेते हैं, ठीक है, सुलह करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे करते हैं, हो सकता है कुछ बात बन जाए। ये जो इतने टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं बट बात नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। इनको ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया मुझे स्टॉक करते हुए, मुझे बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पर इनोसेंस के साथ मैं बोलूंगी एक बच्चे की तरह है, दिल उनका बच्चे की तरह है। ये जो पेजेस के कार्ड होते हैं, ये बच्चों की एनर्जी होती है एंड इनोसेंस। ये इनोसेंस कौन होते हैं भाई? बच्चे ही तो होते हैं। एज उनका बढ़ गया बट दिमाग उनका छोटा बच्चे की तरह ही है। मैं बोलूंगी स्टॉक बच्चों की तरह ही कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान ऐसा स्टॉक करता है जैसे पता ना चले, बट ये स्टॉक करेंगे जैसे आपको पता चले। ओके, फिर ये यहाँ पर हमारे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर कॉन्सियसनेस। इस इंसान को कहीं ना कहीं बुद्धि आ गई, दिमाग आ गई, थर्ड आई चक्रा खुल गई और लग गया कि एक बार तो बात कर लेनी चाहिए। आपको पता है ये जो नाइट्स के कार्ड होते हैं मेरे फेवरेट होते हैं, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वो दूसरा नाइट ऑफ कप्स, ये जो कप पकड़ा वाला बैठा था ना घोड़े के ऊपर, ये दोनों कार्ड्स मेरे फेवरेट हैं। ओके, तो ये इंसान, इनको कुछ सद्बुद्धि आ गई एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में ये डेफिनेटली आपके साथ एक कॉन्टैक्ट एक ट्राई करेंगे, बट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये अभी नहीं देने वाले। मैं सच बोलूंगी, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ओके, यहाँ पर है एक्सेप्टेंस। यस, नेक्स्ट 72 आवर्स में ये इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। ये आ रहा था सोलमेट। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आप दोनों हो सकता है सोलमेट हो, ठीक है, आप दोनों सोलमेट हो एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा या फिर रूट चक्रा ऐसा कुछ इनका ब्लॉक्ड है। क्रिएशन, ये देखिए नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है फिर से रीयूनियन। ओके, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बट शॉर्ट टाइम के लिए मुझे यहाँ पर रीयूनियन दिख रहा है, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो, आप दोनों अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे को प्रोवोक करोगे फॉर योर ग्रोथ, तो डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है उनके थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक है। ओके, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। इनकी ना डेफिनेटली कॉन्सियसनेस, यहाँ पर देखिए थर्ड आई है और यहाँ पर भी थर्ड आई चक्रा है। ओके, यू कैन सी, आप देखिए दोनों की जगह पर थर्ड आई है, तो ये जो पर्सन है इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक था, मतलब चीजें सही सही देख नहीं पा रहे थे। अभी इनको कुछ 50-60% कॉन्सियसनेस आई है, क्लियर पिक्चर दिख रहा है। ओके, तो यही रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई हो एंड बाय गाइस। और डेफिनेटली डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो रोमांटिक से थॉट्स देख लेना।